गंगोली हाट के मड़क नाली से सूरखाल पाठक तक सड़क की मांग को लेकर बेलपट्टी क्षेत्र के 10 ग्राम पंचायतों के कई ग्रामीणों ने गंगोली हाट तहसील मुख्यालय में प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने नगर से लेकर तहसील कार्यालय तक जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रामीणों ने कहा कि अगर जल्द ही उनकी मांग पूरी नहीं होती तो आंदोलन को और भी अधिक तेज किया जाएगा, साथ ही आमरण अनशन भी किया जाएगा। ये मड़क नाली सुरपाटा का रोड सेंक्शन था 2016 में, और इसकी जो फॉरेस्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ था, अभी हमने उसको पूरी फाइल तैयार करके जो नोडल हमारे कंजर्वेटर होते हैं और लोणा में, उनको हमने भेजा हुआ है। क्योंकि ये 5 हेक्टेयर से कम है तो जनरली ये जो है स्टेट लेवल पर हो जाना है। हमें सपोर्ट किया है, उसके लिए जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी फाइल जो अभी तक यहाँ से पिथौरागढ़ पहुँच चुकी है, मात्र आज 37वां दिन है, लेकिन हमारी फाइल सिर्फ पिथौरागढ़ में लटकी हुई है। उसमें सरकार की बहुत नाकामयाबी है, जो हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं उनका बिल्कुल भी इसके प्रति कोई जिज्ञासा नहीं है। हमारा ये मानना है भी आप आज तक नहीं तो हमारी फाइल कहाँ न्यूडल तक होती है, हमारी रोड बन चुकी होती। बुधवार को उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संयुक्त संघर्ष समिति और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच के संयुक्त तत्वाधान में इंद्रमणि बड़ोनी की श्रद्धांजलि सभा को आयोजित किया गया, जिसमें शिरकत करते हुए महापौर अनीता ममगाई ने बड़ोनी जी के चित्र पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मेयर ने कहा कि बड़ोनी जी की बदौलत हमें उत्तराखंड राज्य मिल पाया है और वो अहिंसक आंदोलन के प्रबल समर्थक भी थे। उत्तराखंड पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत ऋषिकेश देहात पेयजल योजना से बाईपास रोड स्थित स्मृति वन में बन रहे नलकूप का भूमि पूजन किया गया। बुधवार को कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंची नगर निगम की महापौर ने विधिवत रूप से योजना का भूमि पूजन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए निगम के 14 वार्डों के लोगों को लाभ पहुंचेगा। जोशीमठ क्षेत्र में एक बार फिर से भालुओं ने आतंक मचा दिया है। बुधवार को भालू ने जोशीमठ नगर क्षेत्र के रविग्राम वार्ड में 40 वर्षीय व्यक्ति पर हमला करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। व्यक्ति को इतनी चोटें आई हैं कि उसकी एक आंख तक खराब हो गई है। वहीं एक हफ्ते के अंदर भालू ने जोशीमठ नगर क्षेत्र में 2 लोगों पर हमला कर दिया, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। दूसरा हमला है, इससे पहले अभी एक महिला पे अटैक किया गया था, उनकी भी बड़ी बुरी स्थिति है। और आज एक युवा लड़के को भी भालू ने अटैक से घायल किया हुआ है, जिसके सर पे काफी टांके लगे हैं। तो दिन दहाड़े ये घटनाएं हो रही है। भालू मेरे हिसाब से तो पागल हो गए हैं जो, और फॉरेस्ट वाले इनको भी देखना होगा कि 8 से 9 भालू यहाँ घूम रहे हैं और अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे आदेश आ चुके हैं और आज ही हम लोग पिंजरा लगा देंगे। ये दूसरा अटैक था, हम लोगों को भी काफी परेशानी हो रही है, रोज रोज अटैक हो रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी हम आज ही एक पिंजरा लगा दें और उच्च स्तर में और बात की जाएगी कि जैसे भी जो भी प्रयास होगा हम लोग अपनी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। जी, जिस तरह से आपने देखा कि पिछला अटैक 13 तारीख की शाम को हुआ था और आज उसके ठीक 5 दिन बाद सुबह 10 बजे भालू अटैक करता है, तो इससे यह पता चलता है कि यहाँ शहर के चारों तरफ जो भालू हैं इनकी संख्या लगभग 1 दर्जन से ज्यादा है और जिसको कि वन विभाग अभी तक पकड़ने में या उसको सूट एंड साइट करने में सफल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी हमारी रेंजर मैडम से बात हुई तो उनका कहना है कि हम पिंजरा लगाएंगे और भालुओं को पकड़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर नारी शक्ति से वर्चुअल संवाद किया। मुख्यमंत्री ने विकासखंड बेरीनाग के जय मां भगवती स्वयं सहायता समूह थल की महिलाओं के साथ सीधा संवाद किया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महिलाओं से समूह के माध्यम से किए जा रहे कार्यक्रमों की जानकारी भी ली, साथ ही कार्यक्रम के दौरान आने वाली परेशानियों को भी जाना। समूह के द्वारा किए जा रहे कार्यों की सीएम ने सराहना भी की और सरकार से मदद का भरोसा भी दिलाया। जय मां भगवती क्लस्टर लेवल फेडरेशन है, उनसे संवाद किया गया। तो उसमें मैं बताना चाहूँगी कि हमारा ये फेडरेशन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। लगभग इनका टर्नओवर 1 साल का 11 लाख रहा है और लगभग अगर इनका पूरा प्रॉफिट हम नेट प्रॉफिट देखें तो 2 लाख से प्लस हमारा इनका प्रॉफिट गया है। तो अभी गर्मियों की वजह से अभी हमारा मंडुआ का डिमांड कम रहता है तो थोड़ा हमारी सेल कम है इनकी, अदरवाइज़ सर्दियों में काफ़ी सेल हमारी बढ़ जाती है। और दूसरा हम आंगनबाड़ी सभी सेंटर्स में मंडुआ का बिस्किट इनके थ्रू हम प्रोवाइड कराते हैं तो इनका काफ़ी अच्छा सेल रहता है। तो इसी तरह के सभी जनपदों से माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद किया और हमारे यहाँ से इन्होंने संवाद किया। दूसरा, अभी इनके द्वारा बताया गया कि कोई समस्या यहाँ पर ऐसा सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इसको किस तरह और कैसे बढ़ाया जाए।